ऑलरेडी गाइस, तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग भी बहुत अच्छे होइएगा और रहना भी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं Redmi Note 13 Pro Plus 5G स्मार्टफोन के बारे में, जो कि इंडिया के अंदर में कल ही लॉन्च कर दिया गया था और ये इंडियन वेरिएंट में लॉन्च किया गया था। बहुत दिनों से इस फोन का हम लोग वेट कर रहे थे, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि ये फोन कब आ रही है, कब आ रही है। आई थिंक ये फोन का हम लोग 6 months बिफोर से हम लोग इसका वेट कर रहे थे। तो फाइनली जो है ये फोन इंडिया के अंदर में लॉन्च कर दिया गया है, बट ये बहुत ही जल्द आपको फ्लिपकार्ट वगैरह पे आपको देखने को मिल जाएगी, बहुत ही जल्द, लगभग 1 week के अंदर में आपको देखने को मिल जाएगी। बट इसके अंदर में क्या कुछ आती है, क्योंकि इससे पहले भी वीडियोस आई थी, वो चाइनीज वेरिएंट थी, बट ये इंडियन वेरिएंट में क्या कुछ देखने को मिलती है, सारे चीज को इसी वीडियोस के अंदर में कवर करेंगे। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलते हैं और वीडियोस को बिना देरी के हुए बात अगर कर लेते हैं इस पे फोन की। अगर सबसे पहले बैक पैनल की, तो बैक पैनल आपको इसमें 2-3 वेरिएंट आपको देखने को मिल जाएगी, बट अभी जो फिलहाल जो आई है मार्केट के अंदर में, जो आई है, जो लॉन्च किया गया है, वो आपको वेगन लेदर है। बाकी ग्रोसरी वाली जो भी फिल्स है वो सब आ रहे हैं, स्काई ब्लू वगैरह वो सब आ रहे हैं, बट ये जो अभी फिलहाल जो आई है वो आई है वेगन लेदर, जो कि काफी आजकल चर्चित भी है, बहुत सारे फोन्स भी लेकर के आए हैं और देखने में भी काफी कमाल का लगती है वेगन लेदर। तो चलते हैं वेगन लेदर के बारे में ही बात कर लेते हैं। अगर बैक पैनल में अगर आप देखोगे तो ये वेगन लेदर जो है इसमें एक ऐसा नहीं है कि देखने में तो आपको काफी एकदम प्रीमियम सी आपको फील देती है, और इसमें जो आपको कहने को तो मिला था कि इसके अंदर मेटल है, तो मेटल है नहीं, और जो आपको ग्रोसरी वाली जो मिलती है उसमें भी आपको ये मेटल नहीं मिलती, आपको प्लास्टिक मिलती है, बट प्लास्टिक के ऊपर से आपको ग्लासेस मिल जाती है। आपको एकदम आप हाथ में पकड़ोगे तो आपको लगेगा कि मार्वल का मैंने कुछ पकड़ रखा है, तो ऐसा कुछ फील देगी। लेकिन ये जो है ये फिलहाल जो है अभी वो वेगन लेदर है, और वेगन लेदर के अंदर भी 2-3 पेस्टी ब्लू वगैरह जो 2-3 कलर है आप देख ही रहे हैं, कितना कमाल का लगता है। हाँ, एक चीज है इसके अंदर में कि जो आप कैमरा देख रहे हो, कैमरा के अंदर में जो राउंड करके जो दिया गया है वो मेटल का जरूर इसके अंदर में लगा हुआ है, तो ये देखने में काफी प्रीमियम सी आपको फील देती है। तो भाई साहब, अगर आपको भी अगर वेगन लेदर अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, अगर नहीं लगता है तो भी जरूर कमेंट कीजिएगा कि क्यों नहीं लगता है। तो अगर बात कर लेते हैं अब डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले जो इसके अंदर में दिया गया है 6.67 इंच का फुल HD AMOLED पैनल इसके अंदर में यूज किया गया है। हाँ, कोई भी चेंजेस नहीं किया गया, AMOLED पैनल आती है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आती है, और भाई साहब बहुत ही कमाल का डिस्प्ले है, मतलब 10+ to 12 बिट्स ये कलर डिस्प्ले है, तो ये बहुत अच्छी बात है। डिस्प्ले भी बड़ी सी है और कर्व डिस्प्ले है, 1.5mm का कर्व डिस्प्ले, मतलब 1.5K का डिस्प्ले दिया गया जो कि कर्व है। हालांकि देखोगे आप तो इसमें जो है ज्यादा कर्व आपको नहीं मिलती है, जो कि बहुत काफी अच्छी है। इससे ज्यादा कर्व आपको मोटो इज्ड 40 नियो या फिर 40 के अंदर मिल जाती है, लेकिन इसमें उसका हाफ आप कह सकते हो कि उसका आधा कर्व है, बट देखने में काफी प्रीमियम लगती है। और डिस्प्ले के अंदर में गोरिल्ला ग्लास विक्टस का यूज किया गया जो कि काफी मजबूत इस फोन को बनाती है। अगर आप इस फोन को लेते हैं तो इस फोन के ऊपर में टेम्पर्ड जरूर लगा लीजिएगा, क्योंकि अगर ये फोन गिरेगी तो ज्यादा चांसेस तो है कि नहीं टूटेगी, क्योंकि गोरिल्ला ग्लास विक्टस का प्रोटेक्शन है। बट क्या होता है कि जब कोई भी अगर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास वगैरह लगाया होने के बावजूद भी क्या होती है कि ये जो होते हैं कर्व डिस्प्ले, वो गिरने के बाद ज्यादातर साइड से ही टूटते हैं, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप इस पे टेम्पर जरूर यूज कर लीजिएगा। तो डिस्प्ले के लिए 1 like तो बनती है, इतना अच्छा डिस्प्ले दिया गया है। बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस को लेकर के, तो परफॉर्मेंस को लेकर के इसके अंदर में जो चिपसेट यूज किया गया है वो मीडियाटेक डायमेंसिटी का यूज किया गया, 7200 अल्ट्रा 4 nano पे ये बेस्ट है। भाई साहब ये बहुत ही कमाल का है, ये सबसे बड़ी बात है कि 7200 अल्ट्रा क्या है। तो अल्ट्रा ये जो होता है, क्योंकि आजकल जो भी आउटपुट निकल करके आते हैं, पिक्चर्स वगैरह हम लोग कैमरा वगैरह यूज करते हैं, तो प्रोसेसिंग ज्यादा कर रहे हैं आजकल का कोई भी फोन्स वगैरह, अगर आप एक क्लिक करते हो तो थोड़ा सा प्रोसेस करता है उस फोन को, मतलब उस पिक्चर को इनहेंस करने के लिए, तो वहां पे है ये यूज होता है अल्ट्रा। और आजकल एक और चीज देखने को मिल रहा है कि अगर कोई भी फोन अगर थोड़ा सा ज्यादा प्रोसेस करता है तो पिक्चर क्वालिटी भी एकदम कमाल का निकाल करके देती है प्रोसेस करके, तो ये बहुत अच्छी बात है।
तो इसके लिए एक लाइक तो बनते हैं, इसका अंत होता है स्कोर लगभग 8 लाख तक चली जाती है, जो कि कम नहीं है। और अगर आप इसमें अगर आप गेमिंग वगैरह करते हो तो गेमिंग वगैरह को लेकर के इसमें आप BGMI पबजी जैसे गेम को 60 FPS में आप रन कर सकते हो, खेल सकते हो, थोड़ा सा भी लैग नहीं करेगी ये फोन। और भाई साहब बहुत सारे ऐसे COD फोन्स COD वगैरह जो गेम्स है या फिर फ्री फायर जैसे, वो गेम को आप लगभग 90 FPS में आप कर सकते हो गेमिंग वगैरह। तो ये कमाल की बात है कि इसका परफॉर्मेंस लेवल बहुत ही अच्छा दिया गया है। 4 नैनोमीटर पे बेस्ट है तो बैटरी भी कम ड्रेन करेगी। अब बैटरी की बात हो ही गई है तो बैटरी जो इसके अंदर मिलती है 5000 mAh का बिग बैटरी मिलती है, साथ में 120 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाता है। जी हाँ, ये 120 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलने के पीछे रीजन है कि अगर आपका बैटरी तो कम से कम एक दिन से ऊपर चलने ही वाली है और बैटरी थोड़ा सा डाउन हो जाती है, लो हो जाती है, तो बस 15 से 20 मिनट में आपको बैटरी को फुल चार्ज करके 0 to 100 रख देती है। तो है ना कमाल का ये फोन। मतलब एक टाइम में लगता था कि ये जो है रेडमी एकदम से आउट हो गई है, मार्केट से खत्म हो गई है, लेकिन फिर से आई है और अपना पैर को एकदम जमा दिया है रेडमी नोट 13 Pro Plus 5G स्मार्टफोन, जो कि अगर आप लेना चाहते हैं तो मेरा सजेस्ट है कि आप डेफिनेटली ले सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही अच्छे-अच्छे कंटेंट हमेशा लेकर के आते रहता हूं। बात कर लेते हैं मल्टीमीडिया की, तो मल्टीमीडिया को लेकर के मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि ये 10+2 मतलब 12 बिट्स का ये डिस्प्ले लगाया गया है, कर्व डिस्प्ले है, और इसमें जब आप कोई भी कंटेंट देखते हो तो आप HDR में, फुल HDR में आप कंटेंट देख सकते हो। फुल HDR मतलब Netflix जैसा हो या फिर Amazon हो, कहीं पे भी आपको कोई भी HDR कंटेंट मिल रहा है आप एकदम आराम से देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। और साथ ही साथ इसमें Atmos Dolby Sound लगा हुआ है, जिससे आपको एक मल्टीमीडिया का नेक्स्ट लेवल फ्यूचर तक लेकर के चली जाती है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि इसमें जो है मल्टीमीडिया को लेकर के डिस्प्ले अच्छा है, स्पीकर अच्छा है, HDR का सपोर्ट मिला है, और क्या चाहिए। कनेक्टिविटी की बात कर लेते हैं तो कनेक्टिविटी को लेकर के इंडिया के अंदर में जितने सारे 5G बैंड है सारे के सारे इसमें दिए गए हैं। Wi-Fi 6 मिल जाता है, Bluetooth 5.3 मिल जाता है, Dual Voltage 4G मिल जाता है, और NFC का भी सपोर्ट मिलता है, और क्या चाहिए भाई साहब। मतलब एकदम कमाल का है, इसके अंदर में कनेक्टिविटी भी बहुत बढ़िया दिया गया है। अब बात कर लेते हैं पोर्टलेट्स वगैरह की, तो पोर्टलेट्स नीचे में आपको सिम का ट्रे मिल ही जाती है, साथ ही साथ इसके अंदर में आपको 3.5mm का जैक नहीं मिलती है, जो कि सारे मिड रेंज के फोन में भी खत्म कर दिया गया है। और ये तो भाई साहब एक फ्लैगशिप लेवल से अगर इसका कंपेयर किया जाए तो थोड़ा सा भी ये कम नहीं है। फ्लैगशिप जो कि 70-80 हज़ार का फोन्स होते हैं उसके लगभग बराबर नहीं तो उससे अगर ज़्यादा नहीं तो कम भी नहीं है ये फोन्स। और इसमें जो है टाइप ए टू टाइप सी का चार्जर केबल दिया गया है, जिससे आप 3.0 से आप चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद आपको इसमें स्पीकर ग्रिल मिल जाती है, माइक मिल जाती है, साइड में आपको मिल जाती है वॉल्यूम रॉकर्स और पावर ऑन ऑफ बटन, और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट्स भी है दोस्तों, और ऊपर में नॉइज कैंसिलेशन माइक है, आयर ब्लास्टर है, और स्पीकर ग्रिल है क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि ये जो फोन है एटमॉस डॉल्बी साउंड को ये सपोर्ट करता है। जी हां, तो इसके लिए एक लाइक तो बनती है। अब बात कर लेते हैं कैमरा, क्योंकि इस फोन का कैमरा भी बहुत ही जबरदस्त दिया गया है। तो इसमें आपको 3 setups कैमरा मिल जाता है, मेन कैमरा 200 मेगापिक्सल्स का सैमसंग का सेंसर, जेनुअन सेंसर्स मिलता है, दूसरा है 8 मेगापिक्सल्स का अल्ट्रा वाइड एंगल, और तीसरा जो है वो 2 मेगापिक्सल्स का आपको डेप्थ सेंसर्स मिलते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि मेन कैमरा से आप बहुत ही अच्छे अच्छे कमाल का पिक्चर्स वगैरह ले सकते हैं, पोर्ट्रेट शॉट हो या फिर कोई भी आप लो लाइट कंडीशन में बहुत ही कमाल का पिक्चर्स ले सकते हैं, क्योंकि ये OIS के ऊपर बेस्ट है। दूसरा जो है अल्ट्रा वाइड एंगल, उससे भी आप बहुत ही कमाल का शॉट्स ले सकते हैं, वीडियो शूट कर सकते हैं। फ्रंट कैमरा की अगर बात कर लेता हूं तो 16 मेगापिक्सल्स का दिया गया है, बट ऐसा नहीं है कि अगर 16 दे दिया गया है तो इसका जो पिक्चर्स होगा वो डल होगा, नहीं भाई साहब, बहुत ही कमाल का इसका पिक्चर्स भी दिया गया है फ्रंट में भी 16 मेगापिक्सल्स के अंदर में, तो इसके लिए एक लाइक तो बनती है। अब बात कर लेते हैं वीडियोग्राफी की, तो वीडियोग्राफी आप 4K 30 FPS में रियर कैमरा से आप शूट कर पाओगे, जो कि 200 मेगापिक्सल से है, और 8 मेगापिक्सल है उससे आप 4K में तो नहीं 1080p
1080p 60fps में आप वीडियो शूट कर पाओगे और फ्रंट कैमरा से भी 1080p 30fps में आप वीडियो शूट कर पाओगे। तो देखा जाए तो ओवरऑल ये बहुत बढ़िया, और ऐसा नहीं है कि 200 मेगापिक्सल्स आपको दे दिया है तो इसको अब जब आप जूम करते हो तो ये बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं फटती है इसका क्वालिटी वगैरह। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इसका पिक्चर क्वालिटी वगैरह भी बहुत ही काफ़ी इन्हेंस निकल करके आती है, जो कि आप इंस्टाग्राम ट्विटर वगैरह कहीं पर भी अपलोड करते तो बहुत सारे लाइक आती है। और लाइक से याद आई कि अगर आप भी, आपको अगर ये वीडियोज अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, और बहुत ही जल्द ये फोन आप लोगों को देखने को मिल जाएगी फ्लिपकार्ट में। तो बस यही थी आज की वीडियो, और उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छी लगी होगी। तो बस मिलते हैं अगले वीडियोज में, तब तक के लिए गुड बाय।